गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वीरेंद्र पटेल श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कसना रातरा वाराणसी से आप लोगों को कक्षा 12 का गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें परिवर्त आवयव के बारे में आप लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। परिवर्त आवयव किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, परिवर्त आवयव को हम कैसे दिखाते हैं। अब परिवर्त आवयव के कुछ गुण हैं जिसके बारे में आप अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है गुण कि ए डैश पर डैश इज इक्वल टू ए, अर्थात परिवर्त आवयव का जो परिवर्त होता है वह मूल आवयव होता है। और दूसरा गुण है ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो हम पहले गुण पे देखें यहाँ पर कि जो पहला गुण है ए डैश पर डैश इज इक्वल टू ए, अर्थात परिवर्त आवयव का जो परिवर्त होता है वह मूल आवयव होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है जो तृतीय कोटि का है, इसके पहले पंक्ति में 1 2 4, दूसरे पंक्ति में 7 1 6 है, ठीक है। अब तीसरे पंक्ति में 5 1 2 है। अब इसके बाद यदि हम इसका परिवर्त करते हैं तो आप लिखेंगे आवयव ए का परिवर्त आवयव, परिवर्त आवयव ए डैश। तो हम जब परिवर्त करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो पहला रो है 1 2 4 उससे हम पहले कॉलम में चेंज कर लेंगे 1 2 4, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 7 1 6, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में 5 1 2। अब पुनः देखिए आगे, पुनः ए डैश का परिवर्त आवयव तो ए डैश पर डैश, तो हम इसका परिवर्त करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो जो इसका पहला रो है वह पहला कॉलम बनेगा, जो पहला रो है 1 5 1 7 5 हमारा पहला कॉलम बन जाएगा, तो 1 7 5, और जो दूसरा रो है वह दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1 1, और जो तीसरा रो है वह तीसरा कॉलम बन जाएगा 4 6 2। तो हमने पाया कि जो ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है वो मूल आवयव है 1 2 4, देखिए 1 2 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए डैश पर डैश इज इक्वल टू मूल आवयव ए। इस प्रकार हमने देखा कि परिवर्त आवयव का जो परिवर्त होता है वह मूल आवयव होता है। आगे